अमेरिका का भारत पर बड़ा आरोप, खालिस्तानी की हत्या की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका ने कहा एक भारतीय को हत्या का काम सौंपा गया, हत्या के लिए $1,00,000 की डील हुई। It will be too early to say things. दोनों पार्टियों का सामने होना चाहिए, ये तो एक पार्टी का ना एलिगेशन है, दूसरी पार्टी का भी सुने बगैर ये कहना कि नहीं भारत इन्वॉल्व है इसमें, तो भी एक मैं समझता हूँ कि it will be too early to say that. इसमें कोई शक नहीं है कि डिकेड्स से, दसियों सालों से आतंक के मामले को लेकर के अमेरिका और यूरोप के जो विचार हैं वो अलग रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। भारत 30-40 साल से बार बार कहता है आतंक के मुद्दे को लेकर के अमेरिका और यूरोप एक अलग ही नजर से देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं विदाउट डाउट। इंडियंस को एक चीज की समझ आई है, बिकॉज इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, तो वो समझते हैं कि हम कहीं भी मुल्क में किसी भी जगह पे पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं। सो $1,00,000, $2,00,000, अमेरिका में उन्होंने $1,00,000 दे दिया, उन्होंने कहा अगर पन्नू मारा जाता है $1,00,000 में, $2,00,000 में, $3,00,000 में, तो बेसिकली उसका जो टेरर फैलेगा वो बहुत बड़ा होगा। अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने भारत को खालिस्तानी आतंकी पर हमले की कोशिश से जुड़ी कुछ जानकारियां दी, जिसकी जांच के लिए 18 नवंबर को ही जांच कमेटी बना दी गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये इनपुट संगठित अपराधियों, हथियारों के तस्करों और आतंकियों के बीच गठजोड़ को लेकर है। इन जानकारियों को भारत भी गंभीरता से ले रहा है। इट्स अ बिग टेस्ट फॉर द, मैं समझता हूं, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की टीम के लिए। अब देखेंगे उसको किस तरह हैंडल करते, लेकिन आज जो है इस बिग न्यूज़, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका जब कनाडा के हवाले से चीजें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं, और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो जाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो हमेशा भारत को धमकियां देता है कि दिल्ली उड़ा देंगे, दिल्ली में ये कर देंगे, मैच नहीं होने देंगे, भारत पाकिस्तान का बम लगा देंगे, दोस्तों भारत में उसने बकायदा 20 से 25 लोगों का मर्डर किया है और भारत की न्याय व्यवस्था ने उसे क्रिमिनल, आतंकवादी सब कुछ घोषित कर रखा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में जाके वो अमेरिका का आम नागरिक बन जाता है, ये कैसे? क्या दोस्तों भारतीय सरकार को वो सारे मर्डर के चार्जेस, क्रिमिनल के चार्जेस जो कोर्ट ने उसको सजा सुनाए हुए, वो सारे रिपोर्ट्स यूएसए को नहीं देने चाहिए? मेरे ख्याल से देने चाहिए कि भाई तुमने हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे रखी है और इसके बाद उसके ऊपर हमला होता है, पता नहीं कहां से यूएसए की एजेंसी लिंग जोड़ के उसको भारत पे आरोप लगा देती है। मतलब दोस्तों आज से नहीं, सदियों से यूएसए हो, यूरोप हो, कैनेडा हो, ये देश हमेशा से खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन करते रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, मुझे लगता है जो मेन रीजन है दोस्तों, पूरी यूएसए जानता है, पूरा यूरोप जानता है और कनाडा, सब जानते हैं कि अगर भारत का एक बार राइज हो गया ना तो इन सबकी कोई औकात नहीं है भारत से कम्पीट करने की, इसीलिए ये जानबूझ के भारत को नीचे खींचने के लिए खालिस्तानियों का सहायता लेते रहते हैं। और अमेरिकन्स ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया को, ठीक है, G20 में अमेरिका के लिए इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, ये बड़ा छोटा सा वाक्य है, लेकिन अमेरिकन्स इसको बहुत बड़ा बना के पेश करेंगे, डराएंगे इंडियंस को और कहेंगे कि आपको इसकी कॉस्ट पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज़्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा अमेरिका को इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिया को टफ टाइम दें। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन्स को समझते हैं कि हमारे, हमें उनसे बड़े काम लेने हैं। अगर ये चीज़ रही और ऑन दिस अगर अमेरिकन्स खामोश रहते हैं, ठीक है, बोलते नहीं हैं, तो अब आप ये समझ लें कि अमेरिका की गलबात कोई नहीं है। बिकॉज बट अमेरिका ने जो जस्टिस डिपार्टमेंट के ज़रिए आना और फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आना, सो अमेरिकन्स इसको पोलिटिकली कुछ नहीं करना चाहते थे, वो गलती जो कैनेडा ने की, अमेरिकन्स वो गलती नहीं करना चाह रहे थे। कनाडा ने गलती की कि उसको पॉलिटिकल लेवल पे उठा के पार्लियामेंट में ले आए और शोर डाल दिया और फिर इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया। अमेरिकन उनसे ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट, उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट एंड मीडिया का इस्तेमाल किया और ख़ुद खामोश हैं। उन्होंने कहा जी ये तो इंटेलिजेंस काम कर रही थी और वो है और पॉलिटिशियन खामोश हैं। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बातें कर रही हो, टीवी पे आ गए थे जनाब मोदी साहब तो साढ़े बंदे मारन डे तो ये करन डे वो करन डे, इट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस। सो दे डोंट वांट टू गिव दोज ऑप्टिक्स बिकॉज उनके लिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते, ठीक है। बट ऑन दी अदर साइड
दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट को, अपनी इंटेलिजेंस अपरेटस को इस्तेमाल किया है, और इंटेलिजेंस एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए इंडिया को उन्होंने कहा जी हम एक्सपोज करते हैं, रादर हम ये करें कि हम जिसे कहते हैं ना हम ये कर दें कि हमारे लिए हम कैनेडियन गलती करें कि हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे उठा लें, पॉलिटिकल लेवल पे उठा लें, ठीक है जी। और ये बड़ी द डिटेल्स विच आर बीइंग शेयर्ड, दीज आर क्रेजी डिटेल्स, ठीक है जी। ओके, इंडियन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इंडिया से ये काम किया, ठीक है जी, और अमेरिकन्स ने उसको इंडिया में सजा दे दी है। तो ये चीज़ जो है, ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन्स को सारा पता था, कोई लेना देना नहीं। अमेरिका ने जो अपने चार्जेस फाइल किए उसमें ये भी बोला कि ये पन्नू जो है ये हार्ड लाइनर है और सेपरेटिस्ट है और ये है वो है, कहीं पे भी इसको आतंकवादी नहीं बोला गया। मैं अमेरिका की मंशा पे ही सवाल उठा रहा हूं। आपको नहीं पता कि पतवंत सिंह पन्नू क्या करते हैं और कैसा बड़ा आतंकवादी है, इसके ऊपर कितने केसेस हैं, ये सारे आपके पास कल के फाइल हुए, यस्टरडे इनकी अपनी रिलीज आई है। आप चार्जेस में नहीं लिख पाए, रिलीज में लिख लेते भाई आतंकवादी है। आपके सामने इसने एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दी है, सब पता है, फिर आपने ऐसी लैंग्वेज यूज की। क्या प्रेशर डालना चाहते हैं आप इंडिया पर? इंडिया प्रेशर में नहीं आएगा वैसा तो ये लोग, लेकिन सच बात यह कि इन्होंने ये भी देखा कि हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को कैसे पन्नू ने धमकी दी। उसके बाद भी इन्होंने अमेरिकन को शर्म नहीं आई, इन्होंने उस पन्नू को अब तक आतंकवादी नहीं बोला। प्रेशर डालने की टैक्टिक्स, खालिस्तान को के उस ड्रामे को पालने की टैक्टिक्स अमेरिका से डरता कौन है? इस पे मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अब तक इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि इंडिया को इस आदमी से सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। ये किसी न किसी तरीके से इंडिया पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स जो है ये चलेंगे नहीं। यूक्रेन वॉर में जो हो रहा है और इसराइल के वॉर में जो हो रहा है उसमें इंडिया और इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। आप अपनी जियोपॉलिटिक्स में बिजी रहिए, आपने कितनों को खेला है, कितनों के साथ खेला है, कितनों के साथ पॉलिटिक्स की, हमें सब पता है, हम इसमें नहीं करेंगे। एक कैनेडा की गवर्नमेंट ने भी इंडिया पे आरोप लगाया था कि निज्जर को मारा, उसका वो प्रूफ कर दिया, आप ही दे दीजिएगा, हम देख लेंगे कि अमेरिका के प्रूफ भी कितने काबिल है। मैं कुछ लाइन बाई लाइन दिखाऊंगा कि क्या पोजिशन है, क्या इन्होंने लिखा है। एक चीज और, प्रूफ नहीं मिला, उन्होंने कैनेडा ने हमारे एक डिप्लोमेट को प्यारो लगाया था, हमारे डिप्लोमेट वहां पे थे, बोला जाता है कि जी आईपीएस ऑफिसर थे वो, बहुत सारी कहानियां, लेकिन हमारे डिप्लोमेट पे, इन्होंने हमारे किसी डिप्लोमेट पे आरोप नहीं लगाया। हालांकि दोनों लिंक्ड दिख रहे हैं, नाम निज्जर की क्लिक का आया है इसमें भी, अगर उधर डिप्लोमेट इन्वॉल्व था, इधर एक आदमी इन्वॉल्व है जो कि सीआरपीएफ में काम करता है, इन्होंने सीआरपीएफ लिखा। अब सीआरपीएफ एक्सटर्नल ऑपरेशन कब से करना होगा मुझे नहीं पता, ये तो नहीं प्रूफ नहीं है इसमें। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या प्रूफ है, उसके बाद भी इन्होंने चार्जशीट निकाल दिए। कैसे निकाल दी, चार्जेस कैसे फ्रेम कर दिए, इन्वेस्टिगेशन के बिना, पूछताछ के बिना, और आज का भी अरेस्ट नहीं है, जून का अरेस्ट है। ये इन्होंने जो किया है, सीआरपीएफ का जो आदमी बताया है, मुझे ये नहीं समझ में आया कि सीआरपीएफ का आदमी कहीं बाहर किसी को क्यों नहीं। दोस्तों, ये आतंकवादी खालिस्तानी पन्नू हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, चाहे आप इसका सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट सब चेक करें, ठीक है। दोस्तों, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था, खुलेआम धमकियां दे रहा था, वर्ल्ड कप में ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, मैच नहीं होने देंगे, ये सारा ये यूएसए से बैठ के भारत के खिलाफ तो बोल सकता है, भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अगर भारत से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नाम उसके उसको मारने में आ गया, तो आप लोग देखो यूएसए डायरेक्ट भारत पे आरोप लगा रहे। अगर भाई यूएसए का ही नागरिक है वो, तो भारत को इतनी धमकियां कैसे दे रहा है कि हम मैच नहीं होने देंगे, हम भारत को अलग कर देंगे, हम खालिस्तान बना देंगे। तो भारतीय सरकार को तो कहना चाहिए ना भाई, अपने नागरिक के आवाज को कंट्रोल में रखो, हमारे अंदर अगर तुम्हारा नागरिक है पन्नू, तो हमारे मामलों में क्यों बोल रहा है? ऐसे तो दोस्तों नहीं चलता ना कि यूएसए आरोप लगाए तो उसका वर्ल्ड वाइड न्यूज बन जाए, और भारत में हमेशा भारत को धमकियां दे रहा है वो छोटी मोटी बात है।
तो दोस्तों भारतीय जो है उनको सोचना चाहिए, भारतीय गवर्नमेंट को, कि हम भी भाई जैसे हमारे ऊपर दूसरे देश आरोप लगा देते हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी हो, तो हम भी तो आरोप लगा सकते हैं। अगर यूएसए पन्नू को अपना मानता है भाई कि यूएसए का नागरिक है पन्नू, तो भारत भी कहे कि यार आपका नागरिक ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपके नागरिक पन्नू के खिलाफ हमारे इधर 12 से 15 मर्डर चार्जेस हैं, इसकी वजह से सैकड़ों फैमिली आज जो है दुख में जी रही है। तो भारत को भी तो आरोप लगाने चाहिए ना यूएसए पे। दोस्तों वही है ना कि हमारी तो पॉलिसी है, हम पहले कोई मूव नहीं करते। खैर यूएसए की तो अभी मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, ये लोग वही है कि भारत की जो डेवलपमेंट है इसको देख के पूरा यूरोप इस समय जल रहा है, पूरा यूएसए जल रहा है। मतलब दोस्तों आप लोग ये सोचो कि भारत को आगे बढ़ता हुआ देख के ना इन गोरों को पच नहीं रही है, आप मानो या ना मानो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।